set was done. Assalamu alaikum, Dadi. Wa alaikum salam. Jeete raho, khushi raho. Kaisi hain aap? Theek thaak? Allah ka shukr. क्या बात है, आज जल्दी ऑफिस जाना है क्या? जी दादी, एक्चुअली बाबा ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बस दुआ करें कि जैसा सोचा है वैसे ही। बेटा वो बहुत मेहनती है, और फिर तुम जैसा काबिल बेटा जिसके साथ हो, फिर नाकामी कैसे हो? बड़ों की दुआएं भी तो कामयाबी का एक वसीला होती है ना दादी। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जिंदगी के इम्तिहानात जो हैं वो दुआओं से क्लियर हो जाते हैं, बट यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली मेरी बेटी इतनी तो मेहनत करती है, अल्लाह इसे हर इम्तिहान में कामयाबी दे। सरवर ने नाश्ता कर लिया? आज उनको दफ्तर जाने में जल्दी है, इसलिए कैसे से चाय लेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है, सारा दिन भूखा रह के काम करेगा क्या? मेरी बात का बुरा नहीं मानना, तुम्हें उसकी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा था, लेकिन कहा होगा, जरूर कहा होगा, लेकिन सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया होगा। तुम्हारी जगह कोई और बीवी होती ख्याल रखने वाली तो जबरदस्ती नाश्ता करवा के भेजती। सारा दिन काम में मसरूफ रहेंगे, नाश्ते में देरी कितनी लगती है? जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो खाने पीने से ज्यादा अहम होते हैं। रात सैफ कितने बजे आया था? देर से आया था। मैंने तो नहीं देखा उसे। रात देर से आया या सुबह से? नहीं, रात को देर से आया था, आप जल्दी सो गए थे। कहना क्या चाहते, मैं भी तुम्हारी तरह रात को मेन गेट पर खड़ा उसका इंतजार करूं? जब जवान बेटा घर से बाहर हो तो माँ के कदम खुद ब खुद चौखट से चिमट जाते हैं। तुम्हारी शय पर बिगड़ रहा है, तुम माँ हो उसे समझाते क्यों? हमारा बेटा बिगड़ा हुआ नहीं है सरमा, और अगर आप समझते हैं कि वो है तो आप समझाइए ना, क्योंकि बाप की बातों का बच्चों पे ज्यादा असर पड़ता है। तो ठीक है, मैं नहीं जाता ऑफिस, घर बैठ जाता हूँ, तुम जाओ ऑफिस संभालो, लेकिन तुम जैसी ना अहल औरत क्या संभालेगी ऑफिस, जो घर और बच्चे भी नहीं संभाल सकती। घर एक जन्म के जन्मते। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो। वलीद वक्त पे ऑफिस पहुंच जाना। जी, मैं हानी को ड्रॉप करके आ रहा हूँ। ठीक। अरे नाश्ता तो कर लो भाई, आपकी बहू ने करा दिया नाश्ता। क्या हुआ मामा? भाई इनसे क्या पूछ रहे हैं, वही जो रोज होता है इस घर में। हानी ठीक कह रही है भाई, ये तमाशा तो इस घर में रोज होता है, खुदा जाने तुम्हारी माँ को कब अकल आएगी। दादू आप सारा ब्लेम मामा को दे रही हैं, जबकि हमेशा पापा की तरफ से ही जाती हूँ। हानी
ऐसे नहीं किया। क्या बात हुई तुम दोनों में? कुछ भी नहीं अम्मी, बस यूं। क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरे बेटे का दिमाग खराब है कि कोई बात नहीं हुई और उसने अपना मूड खराब कर लिया? किस बात का बदला ले रही हो तुम मेरे बच्चे से? क्या हो गया दादी, प्लीज बात को खत्म करें। अच्छा तो तुम्हारा ख्याल है कि बात को मैं बढ़ा रही हूँ? वलीद, समझाने में और बात को बढ़ाने में बहुत फर्क होता है। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती, लेकिन तुम तो अपनी माँ की जबान बोल रहे हो। दादी मुझे ऑफिस से देर हो रही है, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, प्लीज। चलो बेटा चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब जानती हूँ मैं, तुमने जहर भर दिया है इनके जहनों में हमारे बारे में। मम्मी मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके दिल में मैं अपनी जगह बना लूँ। अरे बीबी तुम हमारे दिल को तो छोड़ो, तुम उसके दिल में जगह बनाओ जो तुम्हारे सर का साईं है। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम कहोगी कि सास बन के बात कर रही है, लेकिन मेरा खुदा जानता है मैं बिल्कुल सलमा की तरह तुम्हें समझती हूँ, मगर तुमने हमारी कदर नहीं। देख हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, मेरे सरमत को खुश रखा कर, अगर वो खुश तो ये सारा घर खुश। इंशाल्लाह ऐसी होगा जैसा आप चाहती हैं। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब तुम बड़े हो गए, खुद सोने की आदत डालो। अब नाराज है मुझसे? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? मम्मा आप जिस दिन मुझसे नाराज होगी ना, मैं सांस लेना भूल जाऊंगा। और अगर तुम मुझसे खफा हो गए ना तो मैं जी ना पाऊंगी। मम्मा ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है बाबा नहीं करते। अच्छा ये बताओ तो अपने पापा को अवॉइड क्यों कर रहे? आज भी तुम्हारी वजह से उनका मूड खराब था। मैंने तो हमेशा उन्हें ऐसे ही देखा है, उनका मूड खराब होने के लिए किसी वजह को होना जरूरी नहीं है। इस तरह मत सोचा करो उनके बारे में, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आखिरकार वो तुम्हारे पापा हैं। और आप कौन है मेरे? पता है जब वो आपको दुख देते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं वो मुझे दुख नहीं देते, ये उनकी मोहब्बत का अंदाज है। आपने यही कहना है, आई न्यू इट, लेकिन मोहब्बत का ये अंदाज मुझे समझ नहीं आता मामा। जब शादी करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ मैं म्यूजिक का क्या प्रोग्रेस है? रात को एक नई ट्यून बनाई है, आप इधर बैठे मैं आपको सुनाता हूँ। सैफ तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें इजाजत से तुम्हारी जिद की वजह से दी है, और मैंने इसलिए नहीं मना किया क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तुम्हारे शौक नहीं बल्कि जुनून है। मैं जानता हूँ मामा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी सारी तवज्जो सिर्फ म्यूजिक तक महदूद होती जा रही है। मामा अगर पापा ने मेरी जिद मानी है तो मैं भी उनकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ एक दफा ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए उसके बाद एग्जाम्स तक म्यूजिक का तमाम सिलसिला बंद। प्रॉमिस? प्रॉमिस 100%। चलो अब सुनो अपना न्यू ट्यून। मेरे पास है ये तन्हाइयां। ये सब डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह देख लो, और अगर कोई सवाल जहन में आए तो मुझसे पूछ लेना। जी बाबा आपको क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा? श्योर, इस मीटिंग से तो यही लगता। चले विश यू गुड लक। कुछ कहना चाह रहे?
जी पापा। कंफ्यूज क्यों हो? पापा आपके और मामा के दरमियान जो टेंशन रहती है उसकी वजह से सब लोग इफेक्ट होते हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहन भाई अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हो, नफरत तो मैं भी नहीं करता उससे यार। तो सोचो अगर मैं उससे नफरत करूं तो 30 साल जिंदगी के उसके साथ कैसे गुजरूं? I can understand, पापा आप मामा से नफरत नहीं करते, लेकिन आपने कभी ये एहसास भी नहीं उन्हें दिया कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। I'm sorry, लेकिन पापा बहुत अरसे से मुझे आपसे ये बात कहनी थी। No need to say sorry, बेटा। मैंने खुद से टेंशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की किसी के। खैर, तुमने मुझसे बात की, मुझे अच्छा। तुमने ठीक कहा बेटा, वाकई मुझे तुम्हारी मां से मोहब्बत नहीं, मजबूरियों से मोहब्बत हो भी नहीं सकती कभी। दुनिया में आए तो कई साल बीत गए, मगर तुम किन सोचों में गुमो? बस ऐसे। क्या हुआ हानी? तुम्हारी आंखें कह रही कि तुम रोती रही हो। नहीं बस ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी नहीं बताओगी? शोहर की बात ना मानने पर शोहर ने बीवी की नाक काट दी। कम ऑन हानी, ऐसी खबरें मत पढ़ा करो जिनको पढ़ के तुम डिस्टर्ब हो जाओ। सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? क्या मतलब? कोई बीवी की नाक काट देता है तो कोई जरा जरा सी बात पे सबके सामने बीवी को जलील कर देता है। ऐसा क्यों होता है? औरत माँ के रूप में हो तो मुकद्दस है, बीवी के रूप में हो तो काबिले नफरत। ये कैसा काम है तुम मर्दों का? टेक इट इजी हानी, तायाबू और ताईजी में फिर कोई बात हुई है? कब नहीं होती। पापा मामा की तजलील का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। क्यों करते हो तुम मर्द लोग ऐसा? खुदा का लाख लाख शुक्र है मैं ऐसा नहीं। शादी के बाद हमारे अंदर का भी हुक्मरान जाग जाएगा। मेरे अंदर हुक्मरानी की ख्वाहिश अब भी है तुम्हारे दिल पर। तुम फिर शुरू हो गए। हानी कभी कभी मुझे यूं लगता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं। पागले जैसी बातें मत किया करो मार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चाची कैसी है? अम्मी साथ ही हैं। प्लीज बात को मत बदलो। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं? बेफिक्र रहे, सब ठीक। कितनी सब्र वाली हैं आप। हालात चाहे जैसे भी हो हमेशा अच्छा ही बताती हैं। अल्लाह ने हमें लाखों से बहुत बेहतर जिंदगी दी है, हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। जानती है जरी, जब मुझे अमार के अब्बू ने अलहदा घर के लिए कहा था तो मैं खानदान बिरादरी वालों से डर रही थी कि लोग क्या कहेंगे, नई बहू ने आते ही बेटे को अलहदा कर दिया। लेकिन सोचती हूँ कि काश सरमत भाई ने भी कोई ऐसा फैसला कर लिया होता। अलहदा हो जाना किसी मसले का हल नहीं। मसलों का हल तो इस बात में है कि दिल मिले रहे और हर रिश्ते को उसका जायज मुकाम दिया जाए। अरे फरजाना,
तुम कब आई? अरे अम्मी बस अभी अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई है। आपके कमरे की तरफ आने ही वाली थी मैं। मेरे कमरे की तरफ आ जाती तो जरीन को मेरे खिलाफ बातें करने का मौका कैसे मिलता? मगर जरीन भाभी ने तो कोई बात नहीं की, वो तो आपकी बहुत इज्जत करती है। उन्होंने तो कभी अपनी सगी माँ को भी याद नहीं किया क्योंकि आप में ही उन्हें अपनी माँ नजर आती है। अरे खुदा ना करे कि मैं इसकी माँ जैसी हूँ। कहाँ वो और कहाँ हम इज्जतदार लोग। अरे ये मतलब उसकी हकीकत बाद में खुली, वरना आज इस घर में ऐश नहीं करी होती ये जरीन। सलाम अलैकुम दादो। अरे वालेकुम सलाम, जीता रहे मेरा बच्चा, कैसा है तू? है बस ठीक, बस आपकी दुआएं चाहिए। बेटा मैं तो तेरे लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, तू मेरे माजिद की इकलौती निशानी। जब तू इस घर में आता है ना तो मुझे लगता है जैसे मेरा माजिद आ गया। इसीलिए तो मैं बार बार आता हूँ दादो। अम्मी को मार्केट लेके जाना था, मैंने सोचा कि आपसे मिलवाता हुआ चलो। चले अम्मी। हाँ बेटा चलते हैं। अच्छा अम्मी मैं जाती हूँ, दुआ में याद रखिए। जरूर। अच्छा जी दादो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। अब जल्दी चक्कर लगाना तुम भी और इंशाल्लाह। जरूर अल्लाह। जरीन जी अम्मी, एक कप चाय लाओ मेरे लिए।